गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, एटेट थ्योरी की अगली क्लास में हम बात करेंगे। एटेट थ्योरी को ही कंटिन्यू करूंगी। पिछली क्लास से मैंने आपको बताया था कि अलग अलग आठ हिस्से शरीर के कौन से हैं, जो कि हमारे आठ जो मस्तकीय प्रणाली है यानी आठ सिर का जो सिद्धांत है, इसको कितने भागों में और कैसे कैसे बांटा गया है और इसका क्या उपयोग है। लेकिन आज हम बात करेंगे आठ प्रमुख सिद्धांतों के लाभ की। क्या फ़ायदा है, हमें बनाने क्यों है? एक तो आठ सिर के सिद्धांत से कि जो हमें अगर ज्ञान होता है तो हमें अपने शरीर की संरचना के बारे में पता होता है। आप देखिए, हमारे भगवान ने जो हमारा शरीर बनाया वो इतना बराबर हिस्सों में बनाया है कि जो ये बीच की लाइन, आप इस चित्र में बीच की लाइन देख रहे हैं जो खिंच रही है, जो दोनों हिस्से को, शरीर के लेफ्ट और राइट हिस्सों को बराबर में बांटती है। अगर आपने देखा होगा कि नाक से लेके निप्पल के बीच से लेके हमारे रिप्रोडक्टिव पार्ट से लेके और थाइस के बीच तक ये सीधी लाइन काट रही है हमारे दो हिस्सों को। अगर हमारे कान, अगर हम नाप लेते हैं लेफ्ट आँख और कान की दूरी बीच में से लेफ्ट साइड में जितनी है उतनी ही राइट साइड में है। आप हाथों को अगर देखेंगे तो दोनों हाथ इक्वल साइज में है, कंधे दोनों बिल्कुल बराबर है, गर्दन के दोनों हिस्से बिल्कुल बराबर है, और जो ये हाथ है जब ये नीचे आके टिकते हैं तो ये बिल्कुल इनकी लंबाई कहाँ आती है, मध्य जांग में, जहाँ ये आप देख रहे हैं लिखा हुआ है। यहाँ पे अपने अपने आप लोग घर में जब आप पढ़ रहे हैं तो अपने हाथों को सीधा करके देखिए कि आपके हाथों की उंगलियाँ कहाँ आके टिकती हैं। आपके हाथों की उंगलियाँ आके टिकती हैं मध्य जांग पर। तो ये ऐसा नहीं है कि लेफ्ट हैंड तो मध्य जांग पर आ रहा है और राइट हैंड आपका हिप्स तक आ रहा है, नहीं। शरीर जितना लंबाई में बराबर है उतना ही चौड़ाई में भी दोनों हिस्सों में बराबर होता है। तो जब हम एटेट थ्योरी पढ़ते हैं तो हमें शरीर की जितनी जो संरचना है उसका, उसको नापना यानी उसको देखना हमारे लिए, कपड़ों के लिए जब बनाते हैं उससे पहले, डिज़ाइन करने से पहले हमको शारीरिक ज्ञान का पता होना चाहिए। ये हमारे प्रारूपण, प्रारूपण किसे कहते हैं, जिसे हमें डिज़ाइनिंग, जब हम नेक्स्ट स्टेप पे डिज़ाइनिंग करेंगे, फैशन की डिज़ाइनिंग करते हैं, जब कपड़ों को हम इनके ऊपर चित्रण करते हैं या फिटिंग देते हैं, तो हमें पता होना चाहिए कि चेस्ट का नाप कितना होता है, वेस्ट का नाप कितना होता है और हिप्स का नाप कितना होता है। जब हमें ये पता होगा तो ऑटोमेटिकली हमें ड्रेस को डिज़ाइन करने में दिक्कत नहीं आएगी। फिर आता है शरीर की संरचना का ज्ञान सही माप लेने में सहायक होगा, इससे कटिंग सही होगी और परिधान सही सिले जाएंगे, कार्य आसानी से और तेजी से निष्पाशित किया जाएगा। जितना अच्छा हमको एटेट थ्योरी बनानी आएगी उतना ही हम क्रॉकेट्स डेवलप कर सकेंगे। एक आम तौर पे मानव शरीर बना हुआ है आठ सिर के सिद्धांत पे। ये देखिए, सबसे पहले मैंने आपको बताया 5 फुट 4 इंच। आपने देखा होगा बचपन में हम परियों की कहानी सुनाते हैं बच्चों को, क्या कभी हम एक माँ की कहानी सुनाते हैं या एक आम महिला की कहानी सुनाते हैं? नहीं। बच्चे को हम बचपन से ही इमेजिन करने को इमेजिनेशन बच्चे की डेवलप करते हैं कि एक परी थी, बादलों में से सुंदर सी आई थी, उसके दो पंख लगे हुए थे। क्यों? क्योंकि मानव शरीर हमेशा परिकल्पना में यानी कल्पना की उड़ान भरना चाहता है, वो एक आम मानव को नहीं देखना चाहता या एक आम शारीरिक संगठन को नहीं देखना चाहता। सेम इज़ विद फैशन डिज़ाइनर्स। फैशन डिज़ाइनर्स को भी ऐसा लगता है कि आम महिला का शरीर आठ सिर के सिद्धांत में बटा है, लेकिन जब वह कपड़ों के लिए, फैशन डिज़ाइनिंग के लिए क्रॉकेट्स डेवलप करता है तो उसने क्रॉकेट्स को डेवलप किया 8 भागों की बजाय 10 भागों में, यानी धड़ का हिस्सा बढ़ा दिया और पैरों का हिस्सा बढ़ा दिया, यानी जो 8 भागों में शरीर को बांटा था तो उसको उसने थोड़ा थोड़ा लंबा, आप यहाँ पे देखेंगे, अगर आप ध्यान से देखें तो क्या हिस्सा बढ़ रहा है इसमें, पैरों का हिस्सा बढ़ रहा है, कमर का हिस्सा बढ़ रहा है, जो धड़ है ऊपर वाला, तो शरीर 8 की जगह 10 भागों में। फिर भी इसके अलावा मानव को और डिज़ाइनर्स को और लगा कि और हमें ड्रेसेस पतली पतली बनानी चाहिए, परिकल्पना से बड़ी होनी चाहिए, जो मॉडल्स होते, इसीलिए आपने देखा होगा जो फैशन शोज़ होते हैं और जो महिलाएं जब जो फैशन शोज़ की मॉडल होती है, आपको देख के नहीं लगता क्या वो आम लड़कियों जैसी होती है? नहीं। हाँ,
क्योंकि हर एक आम लड़की उन मॉडल जैसी, यानी उतनी सुंदर लंबी लंबी पतली पतली मॉडल्स जैसा दिखना चाहेंगी। यही तो काम डिजाइनर्स का है, वो ड्रेसेस को एक परी के तरह से, यानी जो मॉडल्स होती हैं जो रैंप वॉक पे चलती हैं, उनको मॉडल की तरह से उतारते हैं और उनको परियों की तरह बना के ड्रेस, ताकि हर इंसान परिकल्पना में ऐसा उसको लगे कि काश मैं ऐसी लगूं, काश मैं ऐसी सुंदर दिखूं, काश मैं ऐसा ही कपड़ों को पहनूं। तो और उन्होंने एडवांस किया शारीरिक संगठन को और 10 हेड थ्योरी को बनाया 12 हेड थ्योरी, जिसमें शरीर को और लंबा करते गए। और उन्होंने जो शारीरिक भाग था हमारा 8 भागों में बटा हुआ, उसको उन्होंने और लंबा करते करते उसको 12 भागों में बांट दिया, यानी एक एक फुट के 12 हिस्से। जब आप डिज़ाइन बनाएंगे फाइल में, हम प्रैक्टिकल करेंगे, तब आप इन तीनों हिस्सों को बनाएंगे और इसमें 8 की जगह हम 10 और 10 की जगह हम 12, एक एक इंच के 12 हिस्से बराबर बांटेंगे और हम इन डिज़ाइंस को बनाएंगे। तो वो डिज़ाइंस इन कभी भी जो ड्रेस डिज़ाइनिंग की जाती है, 8 हेड थ्योरी तो आपकी बेसिक शारीरिक संगठन को दिखाता है, लेकिन 10 हेड थ्योरी और 12 हेड थ्योरी आपके फैशन क्रॉकिस को दिखाता है, जिससे आप आगे चल के अपनी फैशन डिज़ाइनिंग यानी परिकल्पना से आगे बढ़ें और आप इन कपड़ों को इन पे कपड़ों की फिटिंग और स्केचेस और डिज़ाइनिंग डिज़ाइंस को बना सकें। ये था आपका बेसिक 8 हेड थ्योरी, जो आपके लिए जानना बहुत ज़रूरी है। थैंक यू।